तो नमस्कार, मैं आकाश कुमार, मिस 13 का आपका स्वागत है। और आज बेहद खुशी का दिन, आखिर हम केदारनाथ की यात्रा को निकल चुके हैं और अभी हमारा ट्रैकिंग का जो 16 किलोमीटर का पट्टा है वो शुरू हो चुका है। एक्साइटेड है बहुत, पहली बार जा रहे हैं, बहुत सारी कठिनाई आने के बाद अभी फाइनली हमारा ट्रैक शुरू हो गया है। आपकी हालत इतनी पतली क्यों लग रही है, जनता जानना चाहती है। क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग में उल्टी होती है। मीडिया वांट्स टू नो, दीपक टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। दो किलोमीटर में इंसान थक जाता है यहाँ पे। विधि पर और ज्यादा सच्ची बता रहा हूँ, कैमरा निकाल के शूट करने की इच्छा नहीं है, इतना थक चुका है। इश्क है या क्या है, बस क्या खा रहा, आलू पराठा। इतने से हवा का फिराना सा है, इश्क है या किलोमीटर हो गई और हालत आपको दिख रही है। मैं आपको एक हिदायत देने जाऊंगा, फालतू का सामान और बैग बिल्कुल आला है, यहाँ से खरीद लीजिए, एक एक सामान बहुत पसंदीदा। खामोशियों में बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है। आप देख सकते हैं बरसात आ रही है, सुबह बहुत ज्यादा धूप थी और अब बरसात शुरू हो चुकी है और आप मेरी हालत देख सकते हैं कैसा, खुद को प्रोटेक्ट करके रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं है। उधर लो, ठंड इतनी बढ़ चुकी है आप लोग देख सकते हैं, मुझसे धुआं निकलने लग गया। काफिराना इश्क है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले। सच्ची बात, मुझे सच्ची के आंसू निकल आए, बहुत तकलीफ है। बारिश हो रही है, पहले धूप थी तो अब खड़ गई है, पैर जवाब दे रहे ठंड की वजह से, पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, अब रोना आता है। ऐसा लग रहा कि बस आखिरी समय ही है मेरा, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना लाशू है, एक्टिंग नहीं कर। आपके चाहने वाले को कुछ बोलना चाहेंगे? एक एक करोड़ रुपए दे देना मेरे घर को जाने के बाद। हो पाएगा, हो पाएगा, बी पॉजिटिव। यहाँ पे केदारनाथ की शूटिंग हुई थी, यही पोर्शन दिखाया गया था मूवी में ज्यादा करके, नमो नमो शंकर आए गाने में। तो आप देख सकते हैं तूफानी तूफानी करना करना नहीं आएगा। और करीबन हमने अभी 11 किलोमीटर पार किया और अभी भी 6 किलोमीटर बचे हुए हैं और ठंडी अभी बढ़ रही है। आपने देखा पहले गर्मी आई, बरसात आई और ठंडी हो रही है और हम कब पहुंचेंगे पता नहीं। मम्मी जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ।
शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। सो ये वही पत्थर है जिसने आपदा के वक्त इतने बड़े मंदिर को बचाया था। ये कोई जादू से कम नहीं है ये पत्थर, और लोग अब इसकी भी पूजा करते हैं। ओके, केदारनाथ एक यात्रा नहीं बल्कि एक लड़ाई है जो हम लड़ते हैं। यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं बहुत कठिन रास्ता है, और यहाँ पहुँचने के बाद जो खुशी मिलती है वो अलग लेवल की होती है। और जो ये आप इसे देख रहे हैं ये सिर्फ एक फ़ोटो या वीडियो नहीं, एक इमोशन है हम जैसे लोगों के लिए जो केदारनाथ से प्यार करते हैं। और कहना कि ये इमोशन हमेशा मेरे दिल में बस जाएंगे, क्योंकि बहुत तकलीफ़ों के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इतना दर्द सहा हूँ जो मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, सो केदारनाथ की यात्रा अब ख़त्म हो रही है। ये रास्ता बहुत कठिन है, कई लोग रो देते हैं, और इस रास्ते ने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ के लिए। तो आप भी केदारनाथ आइए और भगवान के दर्शन कीजिए, बहुत खूबसूरत है जगह। तो आइए और दर्शन कीजिए, और आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में किसी और नई जगह पर।